तो मैं हूँ पी एस वी होमिक, अपने ही चैनल पे पी एस वी होमिक में। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बोलूँगा हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब। हाँ, आप लोग ने ठीक ही सुना, हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब। मैं ही ये सब जो 6 टिप्स मैं बताऊँगा, ये सब अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं यूट्यूब में। हाँ, आप लोग ने ठीक ही सुना, यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए ये जो 6 टिप्स है वो बहुत ही एसेंशियल और बेसिक टिप्स है, वो चाहिए। ये बेसिक ही टिप्स है कि मैं बोलूँगा, क्योंकि ये शुरू करने के लिए बेसिक है। फिर आगे थोड़ा बढ़ने के लिए और थोड़ा सक्सेसफुल होने के लिए और 3 टिप्स चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब। पहला, पैशन। आप लोगों को पैशन चाहिए। पैशन अगर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। पैशन मतलब आप लोग को इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट पे आप लोग कर रहे हो वीडियो। जैसे मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, जैसे मैं करता हूँ। मैं बोलता हूँ अपने आप को टेक यूट्यूबर बोलता हूँ ऐसे, बट मैं एडवाइस देने में भी, मुझे एडवाइस देने में भी अच्छा लगता है। मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग वो सेम मिस्टेक्स ना दोहराएं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं यही करता हूँ। अगर आप लोगों को कॉमेडी अच्छा लग, मैंने कॉमेडी आप लोग का अगर पैशन है, अगर आप लोग मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हो तो उस चीज़ में पैशन होना चाहिए। अगर गेमिंग यूट्यूबर भी बनना चाहते हो आप लोग, तो उसमें भी आप लोगों को पैशन चाहिए। हाँ, पैशन के सिवाय कुछ नहीं होने वाला, पैशन चाहिए। पैशन अगर होगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे यूट्यूब में। ऐसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूबर जिसको गेमिंग बहुत अच्छा लगता है, पर वो कर रहा है टेक यूट्यूब, टेक वीडियोस बना रहा है, उसमें उसका पैशन नहीं है, तो वो कैसे उस टेक जो रिव्यू कर रहा है जिस गैजेट को, वो कैसे करेगा? उसको तो पैशन ही नहीं है, उसको तो अच्छा लगता है गेमिंग, तो वो गेमिंग चैनल खोल सकता है क्यों? टेक में क्यों? जैसे मैंने अपने नाम से ही खोला है पी एस वी होमिक, अपने नाम से यूट्यूब चैनल खोला है, क्योंकि मैं इधर एडवाइस देने वाला हूँ, मस्ती करने वाले हूँ, डेली ब्लॉगिंग होगा और टेक यूट्यूब में टेक रिव्यूज़ भी होगा, सभी चीज़ें होगा इसमें। इसलिए मेरा पैशन है टेक, उसके सिवाय मुझे एडवाइस देने भी अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीज़ मैं करने वाला हूँ, और डेली ब्लॉगिंग अपना लाइफ शेयर करने वाला हूँ, इसमें भी मेरा पैशन है। तो ये पैशन, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में। आप लोग भी वही कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। सेकेंड जो चीज़ चाहिए वो है प्रोफिशिएंसी, स्किल। प्रोफिशिएंसी मतलब स्किल। आप लोगों के पास किस चीज़ में स्किल है आप लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा। हाँ, आप लोग ने ठीक ही सुना, हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब का सेकेंड चीज़ है प्रोफिशिएंसी, उसका मतलब है स्किल। स्किल अगर है, पैशन अगर है गेमिंग में, उसमें अगर स्किल ना हो तो कैसे होगा? नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, ना ही यूट्यूब चैनल चलेगा, ना ही वीडियोस को उतना व्यूज और उतना लाइक्स और उतना कमेंट्स मिलने वाला है। पैशन अगर है गेमिंग में तो आप लोग को स्किल भी रहना पड़ेगा कैसे गेम खेलते हैं। सपोज एक यूट्यूबर काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है, उसका पैशन है गेमिंग, वो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है पर वो बार बार हार रहा है, तो जो व्यूअर्स है वो जो देखेंगे उन लोग को क्या लगेगा? इसका पैशन है पर ये खेल नहीं पाता, गेम प्ले या वॉक थ्रू वीडियो कैसे बनाएगा? वो तो बार बार हार रहा है, गेम को आगे कैसे बढ़ाएगा? स्किल चाहिए, स्किल भी चाहिए। तो ये था सेकंड में। और भी मैं बोल सकता हूँ और कुछ पॉइंट्स, ताकि आप लोग को हेल्प हो। आप लोग जिस चीज़ में माहिर हो वही करिए यूट्यूब में।
जैसे मैं मेरे मेरे पास स्किल है, मेरे पास स्किल है एडवाइस देने के लिए, हाँ मेरे पास स्किल है एडवाइस देने के लिए, मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ वो लोग, आप वो सब चीज़ें आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसलिए तो आप लोग लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, व्यूज़ भी मिल रहे हैं। हाँ मैं एक ग्रोइंग यूट्यूबर हूँ, अभी तो चैनल शुरू किया है, एक महीने भी नहीं हुआ, तो उसके मुताबिक जितना व्यूज़ और जितना सब्सक्राइबर्स और जितना लाइक्स मिल रहा है वो काफ़ी है। हाँ वो काफ़ी है क्योंकि मैं ऐसा कुछ धमाकेदार नहीं प्रोड्यूस किया हूँ कि एक दिन में 1 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज़ मिल जाए और चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाए। मैं तो नॉर्मल बेसिक चीज़ कर रहा हूँ, मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत छोटा मोटा एडिटिंग करके अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा था, आप लोग अगर पैशन रखते हो कोई चीज़ में तो प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, मतलब स्किल भी चाहिए उस काम के लिए, नहीं तो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब में, इस वीडियो में बेसिकली थर्ड जो पॉइंट है वो मैं बोलूँगा। हाँ थर्ड में जो बोला था, थर्ड जो पॉइंट है हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब, ये पॉइंट दोनों मिला के बोल सकते हो, दोनों मिला के बोल सकते हो या हटा भी सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो आप लोग जो कंटेंट या जो पैशन रखते हो वीडियो में या जो डेडिकेशन देते हो उस वीडियो के ऊपर, वो अगर प्रॉफिट नहीं करता है तो हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब या हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं होगा, आप लोग सक्सेसफुल नहीं बनोगे। क्योंकि जो सिंपल में बोल रहा हूँ, सिंपल से एकदम सिंपल रख रहा हूँ चीज़ को, एक आदमी एक कंटेंट बना रहा है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है पर ऑडियंस को वो कंटेंट नहीं चाहिए, बट ऑडियंस को वो कंटेंट नहीं चाहिए तो वो कंटेंट फिर भी वो आदमी कंटेंट यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया, ठीक है कर दिया, पर कंटेंट तो लोगों को नहीं चाहिए, कौन देखेगा। पैशन भी रहेगा, प्रोफिशिएंसी भी रहेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं रहा तो वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है। तो कैसे आप लोग करेंगे, आप लोग को सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ कंटेंट में काम किया जाए जो मेरा पैशन भी है, जो मेरा प्रोफिशिएंसी भी है और जो मुझे प्रॉफिट भी दिलाएगा। ये तीनों चीज़ एक साथ मिला लीजिए, देखेंगे कि आप लोगों का वीडियोस में व्यूज़ भी आ रहा है, आप लोगों को सब्सक्राइबर्स भी मिल रहा है और रेवेन्यू तो अपने आप ही बढ़ेगा अगर ये दो चीज़ है तो। यूट्यूब में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है आप लोग शॉर्टकट से कुछ हासिल कर पाओ, नहीं शॉर्टकट से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा था, शॉर्टकट में कोई भी चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता, मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन हार्डवर्क देना पड़ेगा, फिर ही आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो, शॉर्टकट कोई भी चीज़ का नहीं है। तो अगर ये तीन टिप्स जो मैंने दिया, ये थ्री टिप्स अगर ये लोग, आप लोग ये तीन टिप्स अगर फॉलो करोगे तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, और मैंने जो टाइटल दिया है हाउ टू बिकम, हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब, ये तीन टिप्स तो हो गए, और तीन टिप्स बाकी है हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब। और जो तीन टिप है वो बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। फर्स्ट जो टिप है, अच्छा कंटेंट बनाइए जो लोगों को फायदेमंद हो, जो लोग देखेंगे और उन लोग को मज़ा आएगा। पहला तो है अच्छा कंटेंट चाहिए, हाँ अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा टाइटल चाहिए, बहुत ही अच्छा टाइटल चाहिए, फिर अच्छा थंबनेल भी चाहिए। आप लोग सोच रहे हैं कि ये तीनों चीज़ तो हर यूट्यूबर बोलते हैं, उन लोग हर सलाह में, हर यूट्यूबर के सलाह में यही होता है, ये तीन टिप्स रहता ही है। एक है कंटेंट बनाइए अच्छा, एक है थंबनेल बनाइए अच्छा, एक है टाइटल बनाइए अच्छा, फिर भी रिजल्ट कुछ ही नहीं मिलता क्योंकि ये सभी चीज़ सभी यूट्यूबर्स फॉलो कर रहे हैं, सभी ग्रोइंग यूट्यूबर्स भी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग एस्टैब्लिश्ड है वो लोग भी एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं।
क्या किया जाए। पहले जो तीन टिप्स मैंने बोला, प्रोफिशिएंसी, पैशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीन फॉलो कीजिए, ये तीन भी फॉलो कीजिए, कंटेंट, टाइटल, थंबनेल। अगर आप लोगों को वो लगा कि हाँ प्रॉफिट आ रहा है, व्यूज आ रहा है, तो ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सब में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जिधर मैं था उधर ही हूँ, फिर मैंने और एक वीडियो बना दिया है, वो अपलोड भी है, अपलोड किया है मैंने, उधर मैं 3 टिप्स शेयर करता हूँ हाउ टू गेट व्यूज, रेवेन्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो वो जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वो देखिए। तो टोटल मैंने 9 टिप्स शेयर कर दिया है हाउ टू सक्सीड ऑन यूट्यूब, हाँ कर दिया है भाई शेयर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ओ हाँ, अमेजन का डील्स ऑफ द डे नीचे डिस्क्रिप्शन में रहे।